अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है रियलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशन के हवाले से जो मुख्तलिफ थ्योरी इस्तेमाल होती हैं उनमें हम आज रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थाट के ऊपर बात करेंगे, हकीकत पसंद मकतबा फ़िक्र के हवाले से बात की जाएगी, और इसके अलावा हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थाट होगा या आइडियलिज्म के ऊपर बात होगी। तो आज इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थाट जो है ये हमारा बुनियादी मौजू है। तो रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थाट जो है या रियलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन जो है, इसके मुताबिक पॉलिटिक्स जो है या सियासत जो है वो दरअसल ताकत के हसूल के लिए की गई जंग का नाम है। तो ताकत के हसूल के लिए रियासतें जो रवैये अख्तियार करती हैं, तर्ज अमल अख्तियार करती हैं, अपने मफादात को महफूज बनाने के लिए जो वो जद्दोजहद करती हैं, उसी का नाम जो है वो पॉलिटिक्स है। तो रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थाट के मुताबिक ताकत के हसूल के लिए और रियासत को अपने मफादात के तहफ़ के लिए या अपने मफादात को महफूज बनाने के लिए ये वो मकतबा फ़िक्र है जो जंग को, तसादम को जो है वो जायज़ करार देता है, और ये दलील पेश करता है कि मफादात के तहफ़ के लिए रियासतों को हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है और रियासतें यहीं जो है वो अमली तौर पे करती हैं। मसालियत पसंद मकतबा फ़िक्र जो है इसके बरक्स बात करता है। मसालियत पसंद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हकीकत रियलिज़म जो है, तो उसमें कहा जाता है कि रियासतों को अपने बाहमी तनाज़ात को हल करने के लिए, अपने मफादात के तहफ़ के लिए पुरअमन ज़राए इस्तेमाल करने चाहिए, डायलाग करना चाहिए, इंटरनेशनल आर्गनाइजेशन के मतलब लेनी चाहिए, और इंटरनेशनल जो लॉस हैं या इंटरनेशनल जो मोरालिटी है उसकी मदद से अपने मफादात के तहफ़ की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जो हकीकत पसंद मकतबा फ़िक्र है और हकीकत पसंद मकतबा फ़िक्र के जो मुफक्करीन हैं वो इस बात के ऊपर मुतफिक नज़र आते हैं कि रियासतें जो हैं वो अपने मफादात के तहफ़ के लिए हर किस्म का जायज़ और नजायज़ हरबा, पुरअमन और पुरतशद्दुद हरबा जो है इस्तेमाल करती हैं। लिहाजा वो देखते हैं कि अमली तौर पर रियासतें क्या करती हैं। वो इस बात की कोई अहमियत नहीं देते कि रियासतों को क्या करना चाहिए। वो देखते हैं कि रियासत प्रैक्टिकली क्या कर रही है। जब वो इंटरनेशनल रिलेशन का, रियासतों के रवैयों का मुताला करते हैं तो वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि रियासतें अपने मफादात के तहफ़ के लिए जंगें भी लड़ती हैं, कत्ल व गारत करती हैं, तबाह व बर्बादी भी करती हैं, एक दूसरे को धोखा भी देती हैं, एक दूसरे को लालच भी देती हैं, एक दूसरे को खौफसदा भी करती हैं, थ्रेट भी करती हैं। तो वो इन्हीं चीज़ों को जो है वो सियासत के असूल जो हैं बनाकर पेश करते हैं। गोया उनके नज़दीक जो ताकत की जो सियासत है, पावर पॉलिटिक्स जो है, ये बैनुल अक़वामी तल्लुक़ात का एक अहम असूल है, और तमाम रियासतें जो हैं वो ताकत के हसूल के लिए हमा वक्त जो है वो मसरूफ़ रहती हैं। यानी एक रियासत जो भी रवैया अख्तियार करती है उसके पेश नज़र सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ताकत, अपने असर और सूख को जो है वो बेहतर करना होता है या उसके अंदर जो है वो इजाफा करना होता है। जो रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थाट है या रियलिस्ट अप्रोच है, इसके मुताबिक इसकी बुनियाद जो है इस असूल के ऊपर रखी गई है कि क्या हो रहा है, रियासतें क्या कर रही हैं, प्रैक्टिकली रियासतें क्या कर रही हैं। तो प्रैक्टिकली रियासतें क्या करती हैं, अपने मफादात के तहफ़ के लिए वो जंगें भी लड़ती हैं, वो कत्ल व गारत करती हैं, वो धोखे से भी काम लेती हैं। तो वो कहते हैं कि चूँकि रियासतें प्रैक्टिकली ये करती हैं तो लिहाजा मफादात के हसूल के लिए जंग लड़ना जायज़ है, मफादात के हसूल के लिए धोखा देना भी जायज़ है, मफादात के हसूल के लिए जुल्म सितम करना भी जायज़ है। तो वो इन सारी चीज़ों को सियासत के अंदर जो है वो जायज़ करार दे देते हैं, जबकि इसके बरक्स जो मसालियत पसंद मकतबा फ़िक्र है वो इन चीज़ों को तस्लीम नहीं करता, और उसका कहना यह है कि मफादात के हसूल के लिए हमेशा पुरअमन ज़राए जो हैं पीसफुल चीज़ें जो है इस्तेमाल करनी चाहिए, और अखलाकियात को, बैनुल अक़वामी कवानीन को, और बैनुल अक़वामी जो ऑर्गनाइजेशन है, बैनुल अक़वामी जो अदारे हैं, और बैनुल अक़वामी जो अखलाकियात है उसकी मदद से अपने मफादात को हासिल करने की कोशिश जो है वो करनी चाहिए। यहाँ देखते हैं एक्सपोनेंट्स ऑफ रियलिस्ट थ्योरी। तो जो रियलिस्ट थ्योरी है, रियलिस्ट स्कूल ऑफ थाट है, उसको जो उसके जो हामी मुफक्करीन हैं, जो उसके उसको प्रचार करने वाले जो मुफक्करीन हैं, उनमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। एरिस्टाटल जो है, कदीम यूनानी मुफक्कर एरिस्टाटल का शुमार जो है वो रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थाट से होता है। कोटलिया जो है, जिसका तल्लुक कदीम हिंदुस्तान के साथ था, उसका शुमार भी जो है वो रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थाट से होता है।
और मैकियावेली जो है उसको जदीद जो स्कूल ऑफ रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट उसका बानी भी कहा जाता है। तो मैकियावेली जो है वो भी जो है वो रियलिस्ट है, और जॉर्ज कैनन जो है उसका शुमार भी रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट में होता है। इसके अलावा मैक्स वेबर का नाम है, इब्ने खल्दून जो है एक मुसलमान जो सियासी मुफक्कर हैं जो सोशलिस्ट हैं, सॉरी जो सोशलिज्म के बानी कहा जाता है, फादर ऑफ सोशलिज्म, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, सॉरी बहुत माजरत की, फादर ऑफ सोशियोलॉजी जिसको कहा जाता है, तो वो भी जो है वो हकीकत पसंद है। और इसके अलावा हेनरी किसिंजर जो अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, उनका शुमार भी जो है वो रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट की हामियों में होता है। और जदीद दौर के अंदर रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट को बड़े मुनज़्ज़म तरीके से बड़े नज़्म व ज़ब्त के साथ जो है जिस शख्स ने पेश किया है उसका नाम है मार्गन थ्यू, जिसकी मशहूर किताब का नाम है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। तो मार्गन थ्यू जो है उसने पॉलिटिक्स अमंग नेशन के अंदर जो है जो रियलिज्म है या रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है उसके जो असूल जो हैं, 6 उसने असूल पेश किए हैं जिनका अभी हम जिक्र भी करेंगे। तो इस हवाले से ये वो लोग हैं एरिस्टाटल, कोटलिया, मैकियावेली, जॉर्ज कैनन, मैक्स वेबर, इब्न खल्दून, हेनरी किसिंजर एंड मार्गन थ्यू। ये वो लोग हैं जो रियलिज्म के ऊपर यानी रियलिस्ट स्कूल ऑफ थ्योरी के ऊपर जो है बिलीव करते हैं, और ये ताकत की सियासत को जायज़ समझते हैं, और ये देखते हैं कि रियासतें जो हैं वो अपने मफादात के तहफ्फुज़ के लिए जो है तमाम हरबे इस्तेमाल करती हैं। तो जो मैकियावेली जो है, मैकियावेली का शुमार जो है वो रियलिस्टिक सियासी मुफक्किरीन में होता है, और इस मैकियावेली जो है इसी ने जो है रियलिज्म को जो है वो नए अंदाज से पेश किया है। और उसका कहना यह है कि रियासतें जो हैं वो अपने मफादात के तहफ्फुज़ के लिए हर जायज़ और नाजायज़ हरबा इस्तेमाल करती हैं, और ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो अखलाकियात में पड़ जाएंगी और वो जो है वो कवानीन और मॉरेलिटी को फॉलो करना शुरू कर देंगी तो फिर ऐसी सूरत में कोई भी रियासत जो है वो अपने मफादात का तहफ्फुज़ जो है वो नहीं कर सकेगी। लिहाजा रियासतों को अपने मफादात के तहफ्फुज़ के लिए हर जायज़ और नाजायज़ हरबा जो है वो इस्तेमाल करने की इजाज़त है, और ऐसा ही प्रैक्टिकली रियासतें करती हैं। तो इसलिए मैकियावेली को जो है जदीद जो रियलिज्म है उसका बानी कहा जाता है। बेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द रियलिज्म थ्योरी इज कंसीडर्ड हैंस जे मार्गन थ्यू। तो अगरचे बाकी मुफक्करीन भी जो हैं वो भी रियलिज्म के ऊपर बिलीव करते हैं और वो इसके हामी तसव्वुर होते हैं, लेकिन मौजूदा दौर के अंदर जो है जिस शख्स ने रियलिज्म को बड़े साइंटिफिकली पेश किया है और उसके बुनियादी असूलों को बड़ा वाज़ेह अंदाज में पेश कर दिया है वो मार्गन थ्यू है, जिसने अपनी किताब पॉलिटिक्स अमंग नेशंस के अंदर जो है अपना जो रियलिज्म का फ़लसफ़ा है या नज़रियात हैं और उसके जो बुनियादी असूल हैं उनको जो है पेश किया है। तो मार्गन थ्यू का शुमार जो है वो जदीद दौर के अंदर रियलिज्म के हवाले से सबसे मोतबर फ़िलासफ़र के तौर पे जो है वो होता है, और उसकी किताब का नाम है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, मार्गन थ्यू सेज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लाइक ऑल पॉलिटिक्स इज़ ए स्ट्रगल फॉर पावर। बहुत सिंपल सी बात है, वो कहता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है लाइक ऑल पॉलिटिक्स इज़ द स्ट्रगल फॉर पावर। तो पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स है स्ट्रगल फॉर पावर, मफादात के हसूल के लिए, ताकत के हसूल के लिए, असर और सूख में इजाफे के लिए कोशिश करना पॉलिटिक्स कहलाता है। तो सियासत दरअसल ताकत के हसूल के लिए, ताकत के में इजाफे के लिए और अपनी ताकत के तहफ्फुज़ के लिए की गई जद्दोजहद, की गई कोशिश जो है वो सियासत कहलाता है। तो वो कहते हैं कि लाइक ऑल पॉलिटिक्स, तमाम जो सियासत है चाहे वो नेशनल हो वो लोकल हो, उस तरह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी जो है वो भी दरअसल स्ट्रगल फॉर पावर है, यानी ताकत के हसूल के लिए की गई जद्दोजहद और की गई कोशिश जो है उसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहा जाता है। वट एवर द अल्टीमेट एम्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, पावर इज ऑलवेज इमीडिएट एम। तो जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसका कोई भी मकसद हो उसमें सबसे अहम, सबसे बुनियादी और मरकजी जो एम है, मकसद है, वो ताकत का हसूल है। यानी बज़ाहिर हम उसको कोई भी नाम दे दें लेकिन बुनियादी तौर पर बात यहीं पर आकर ख़त्म होती है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसका सबसे अहम मकसद जो है वो ताकत का हुसूल है, ताकत के लिए जद्दोजहद करना है। बज़ाहिर रियासतें जो हैं जब एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ मामलात कर रही होती हैं और ये वो जाहिर शो ये कर रही होती हैं कि हम दूसरे रियासतों के साथ तावन कर रहे हैं, उनके मसाइल को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मसाइल पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन
पस मंज़र के अंदर जो है, जब रियासत कोई भी काम कर रही होती है, कोई भी रवैया अख्तियार करती है, उसका बुनियादी मकसद जो है वो अपनी ताकत और अपने असर और सूख में इजाफा करना ही होता है। तो गोया जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसका जो मरकजी नुक्ता है, जो मरकजी पॉइंट उसका है, वो है स्ट्रगल फॉर पावर। और दुनिया की तमाम रियासतें जो हैं वो जब भी आपस में मामला तय करती हैं तो उसका बुनियादी मकसद जो है वो अपनी ताकत में इजाफा करना होता है और ताकत के हसूल के लिए जद्दोजहद करना होता है। रियासतों का हर रवैया इसी पॉइंट के गिर्द घूमता हुआ नज़र आता है। और ये स्टूडेंट इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम ये बात कर सकते हैं कि कोई भी रियासत कोई भी रवैया अख्तियार करती है, कोई भी तर्ज़ अमल अख्तियार करती है, किसी दूसरी रियासत के साथ कोई भी मामला कर रही होती है, तो उसके पेश नज़र ये बात हरगिज़ नहीं होती कि वो दूसरी रियासत को सपोर्ट कर रही होती है। उसका जो बुनियादी मकसद होता है वो अपनी ताकत और अपने असर और सूख में ही इजाफा होता है। दूसरे लफ्ज़ों में या अदरवाइज ये क्या हो सकता है, अगरचे दूसरी रियासतों को उससे फ़ायदा हो रहा होता है, लेकिन रियासत के पेश नज़र ये बात नहीं होती कि उसके इस एक्शन से, उसके इस रवैये से दूसरी रियासतों का तो फ़ायदा हो लेकिन उसे कोई फ़ायदा ना हो। तो यकीनन रियासत वहीं काम करती है जिसमें दूसरी रियासतों, जिसमें उसका अपनी ज़ाती फ़ायदा भी होता है। कोई ऐसा काम नहीं करती जिसमें उसका ज़ाती फ़ायदा ना हो। तो यही जो है रियलिज़म का बुनियादी असूल है कि रियासतें जो भी रवैया अख्तियार करती हैं, जो भी तर्ज़ अमल अख्तियार करती हैं, जिस भी किस्म की वो अपनी खारजा पॉलिसी जो है वो डिज़ाइन करती हैं, तो उसके पेश नज़र जो है उनकी अपनी ताकत, अपने असर सूख में इजाफा होता है और उसी के लिए वो जद्दोजहद करती हुई नज़र आती है। लेकिन इसके साथ ये भी होता है कि यकीनन उसे दूसरी रियासतों का भी फ़ायदा हो रहा होता है, दूसरी रियासतों को तकवीत भी हासिल हो रही होती है, उनके मसाइल भी हल हो रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल रियासत के पेश नज़र अपनी ताकत और अपने असर और सूख में इजाफा ही होता है। कोई रियासत ऐसा रवैया अख्तियार नहीं करती जिसका उसे ज़ाती तौर पे तो कोई फ़ायदा ना हो लेकिन सारा फ़ायदा दूसरी पार्टी को हो, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये अखलाकी बात तो हो सकती है लेकिन जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है, जो पावर पॉलिटिक्स है, उसके अंदर जो है ये बात नहीं होती। उसके अंदर सिर्फ एक ही बात है कि रियासतें जो हैं वो अपनी ताकत में इजाफे के लिए जद्दोजहद जो है वो करती हैं। नेक्स्ट है सिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ द थ्योरी ऑफ रियलिज्म। तो जो मार्केंथ्यू है उसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के छः बुनियादी असूल जो हैं वो बयान किए हैं। उसमें नंबर वन है, पॉलिटिक्स इज गवर्न्ड बाय ऑब्जेक्टिव लॉस विच आर बेस्ड ऑन ह्यूमन नेचर एंड साइकोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट, बड़ी दिलचस्प बात है मार्केंथ्यू जो करता है वो ये है कि जो पावर पॉलिटिक्स है, जो रियासतों के दरमियान जो बाहमी तल्लुकात हैं या रियासत जो है उसके मतलब वो कहता है कि रियासतों के मामलात और जो इंसानों के जो मामलात होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मुताबकत पाई जाती है। फ़र्द की जो नेचर है और फ़र्द की जो साइकी है, वही नेचर और वही साइकी जो है वो कमोपेश हमें रियासत में भी नज़र आती है। तीसरा, अफराद खुदगर्ज़ होते हैं और वो झगड़ालू भी होते हैं और वो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर किस्म का रवैया भी इख्तियार करते हैं। तीसरा, रियासतें भी जो हैं उनकी नेचर के अंदर भी तसादम की कैफियत पाई जाती है और रियासत की भी साइकी वही होती है जो फ़र्द की है। रियासत भी फ़र्द की तरह अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करती है, जारहाना रवैये भी इख्तियार करती है, वो पुरतशद्दद रवैया इख्तियार करती है, वो जंगें भी लड़ती है जिस तरह इंसान अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तसादम करता है, तो रियासत भी तसादम करती है। और जहाँ जो उसको रवैया सूट कर रहा होता है वहीं रवैया वो इख्तियार करती है। तो ये जो जो फ़र्द की जो नेचर है और फ़र्द की जो साइकी है, वहीं साइकी जो है हमें रियासत में भी नज़र आती है। नंबर टू है, द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट कैन बी डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ पावर। तो पॉलिटिक्स कैन बी अंडरस्टूड ऑन रैशनल बेसिस रेदर दैन मॉरल एंड रिलीजियस वंस। तो जो पॉलिटिक्स है उसको जो है रैशनल होकर समझा जा सकता है। पॉलिटिक्स के अंदर जो मॉरेलिटी है या रिलीजियस जो है मज़हब जो है वो उसको मद्देनज़र रखकर पॉलिटिक्स को नहीं समझा जा सकता। तो सियासत दरअसल मफादात के हसूल के लिए जद्दोजहद करने का नाम है और मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करने का नाम है। जो मॉरेलिटी है या जो मज़हब जो तबलीग करता है, तालीम देता है, तो अगर हम इसको फॉलो करना शुरू कर दें तो मार्केंथ्यू का कहना
یہ ہے یا دیگر جو حقیقت پسند مفکرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ پھر اپنے مفادات کا تحفظ جو ہے ممکن نہیں ہوتا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ریاستوں کو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جنگ لڑنی پڑتی ہے اور مذہب جو ہے وہ جنگ کو پسند نہیں کرتے، اور قتل و غارت جنگوں کے اندر ہوتا ہے، دھوکے بھی دینے پڑتے ہیں، لیکن اخلاقیات اور مذہب جو ہے ان باتوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس لیے ریاستیں جو ہیں وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اگر مذہب کو اور اخلاقی جو اصول ہیں، عام اخلاقی اصول جو ہیں، ان کو فالو کرنا شروع کر دیں تو ان کے مفادات خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتا یہ ہے کہ ریشنل ہونا پڑتا ہے، ریشنل ہونے کے بعد ہی جو ہے ریاستیں اپنے مفادات کا بہتر طریقے سے تحفظ جو ہے وہ کر سکتی ہیں۔ نمبر 3 ہے، نیشنل انٹرسٹ از ناٹ فکسڈ اینڈ از مولڈیڈ بی دا انوائرمنٹس۔ تو جو نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں فکس نہیں ہوتے، یہ بدلتے رہتے ہیں حالات کے مطابق، انوائرمنٹ کے مطابق، ماحول کے مطابق، ضروریات کے مطابق، وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ آج اگر دو ریاستوں کے درمیان دوستی کے تعلقات ہیں تو آنے والے وقت میں وہ کسی بھی وقت ان کے تعلقات دشمنی میں تبدیل ہو سکتے ہیں، اگر آج دو ریاستوں کے درمیان دشمنی ہے تو آنے والے وقت میں وہ دوست بھی ہو سکتی ہیں۔ جیسا کہ ماضی کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک وقت تھا جب رشیا اور پاکستان جو ہے ان کے درمیان شدید اختلافات تھے، خاص طور پہ کولڈ وار کے دوران، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلی رونما ہوئی اور آج کل جو ہے رشیا اور پاکستان کے درمیان تعلقات جو ہیں کافی حد تک بہتر ہو چکے ہیں۔ تو جو نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے وہ فکس نہیں ہوتا، وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ماحول کے مطابق، حالات کے مطابق اس میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ تو یہی جو ہے مارگنتھو کا کہنا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ جو ہیں یہ فکس نہیں ہوتے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت کے مطابق تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ نمبر 4 ہے، یونیورسل مورل پرنسپلس کین ناٹ بی اپلائیڈ ٹو اسٹیٹس ایکشنز، انڈیویجولس کین سیکریفائز دیئر لبرٹی فار مورل پرنسپلس بٹ اسٹیٹ کین ناٹ۔ بہت دلچسپ بات ہے، بہت اہم بات ہے، یونیورسل مورل پرنسپلس کین ناٹ بی اپلائیڈ ٹو دا اسٹیٹ ایکشنز۔ جو یونیورسل مورل پرنسپلز ہیں، سچ بولنا چاہیے، قتل نہیں کرنا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، دوست کو پر اعتماد کرنا چاہیے، یہ جو مورل پرنسپلز ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل پولیٹکس کے اندر یا اسٹیٹ پولیٹکس کے اوپر جو ہیں اپلائی نہیں ہو سکتے۔ اگر ان کو اسٹیٹ پولیٹکس کے اندر یا انٹرنیشنل پولیٹکس کے اندر اپلائی کر دیا جائے تو ریاستیں اپنے مفادات کو خطرے میں ڈال دیتی ہیں، یہاں تک کہ ان کی سلامتی بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ یونیورسل مورل پرنسپلس کین ناٹ بی اپلائیڈ ٹو اسٹیٹ ایکشنس۔ تو جو مورل پرنسپلز ہیں، جو عام انسانی زندگی کے اندر جو مورل پرنسپلز ہیں، وہ اسٹیٹ کے اوپر اپلائی نہیں ہوتے، ریاست کے اور سیاست کے اپنے جو ہیں پرنسپلز ہوتے ہیں، اور ریاستیں انہی کو ہی اختیار کرتی ہیں۔ یعنی اگر وہ عام انسانی اخلاقیات کو اختیار کر لیں تو پھر وہ اپنے مفادات کا تحفظ نہیں کر پاتی۔ انڈیویجولس کین وہ ایک ایگزامپل بھی دے رکھا ہے، انڈیویجولس کین سیکریفائز از لبرٹی فار مورل پرنسپلز۔ تو ایک انڈیویجول جو ہے وہ اپنے کسی دوست کے لیے، اپنے کسی رشتہ دار کے لیے اپنی آزادی کو، اپنی زندگی کو بھی خطرہ ڈال دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ عموماً فلموں میں دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک دوست جو ہے وہ اپنے دوست کی جان بچانے کے لیے اپنی زندگی جو ہے اس کی قربانی دے دیتا ہے۔ یہ ایک معاشرتی ایشو ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اسٹیٹس ایسا نہیں کرتی، کوئی بھی ریاست جو ہے وہ کسی دوسری ریاست کے تحفظ کے لیے اپنی سلامتی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ یونیورسل مورل پرنسپلس کین ناٹ بی اپلائیڈ ٹو اسٹیٹ ایکشنس، کہ جو مورل پرنسپلز ہیں چاہے وہ یونیورسل ہیں جو ہیں، وہ ان کو اسٹیٹ پولیٹکس کے اوپر اپلائی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے لیے وہ مثال دیتا ہے، بہت ساری مثالیں ہیں، تو ان مثالوں کو جو ہے مد نظر رکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو حقیقت پسند لوگ ہیں، جو حقیقت پسند اسٹیٹس ہیں یا جو حقیقت پسند مفکرین ہیں، ان کے نزدیک جو یونیورسل مورل پرنسپلز ہیں ان کو جو اسٹیٹ پولیٹکس ہے یا جو نیشنل پولیٹکس ہو، کوئی بھی کسی بھی قسم کی پولیٹکس ہے، اس کے اوپر اپلائی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس حوالے سے جو ہے یہ بات جو ہے وہ حتمی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ درست ہے۔ نمبر 5 ہے، آل پولیٹیکل ایکٹرز پرسو دیئر نیشنل انٹرسٹ۔ تو اسٹیٹ جو ہے، ہم نے لاسٹ نے بات کی تھی پولیٹیکل ایکٹرز کے حوالے سے، تو اسٹیٹ جو ہے وہ سب سے اہم پولیٹیکل ایکٹر ہے، اور انٹرنیشنل سسٹم کے اندر جو ہے ریاست سب سے اہم پولیٹیکل ایکٹر جو ہے شمار ہوتی ہے۔ تو کہتا ہے کہ آل پولیٹیکل ایکٹرز پرسیو دیئر نیشنل انٹرسٹ، تمام ریاستیں جو ہیں وہ صرف اور صرف ایک کام کرتی ہیں، ان کے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں وہ ان کو پرسیو کرتی ہیں، ان کو تحفظ دینا چاہتی ہیں، ان کو محفوظ بنانا چاہتی ہیں۔
इसके अलावा कोई रियासत कोई काम नहीं करती। एक रियासत जो भी रवैया अख्तियार करती है, जो भी फॉरेन पॉलिसी बनाती है, वो चाहे अमन अमन के ऊपर मबनी हो या वो जंग के ऊपर मबनी हो, वो तजारत के ऊपर मबनी हो या वो खैर सगाली के तलाकात के ऊपर मबनी हो, बुनियादी मकसद जो है उसका एक ही होता है, और वो क्या है? नेशनल इंटरेस्ट को तहफ़ देना, नेशनल इंटरेस्ट को महफूज बनाना। और रियासतें अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए, उनको महफूज बनाने के लिए, अगर उनको जंग लड़ना पड़ती है तो वो जंगें लड़ती हैं, अगर उनको मुज़ाकरात करना पड़ते हैं तो वो मुज़ाकरात का सहारा लेती हैं, अगर उनको जो है किसी रियासत के साथ जो है वो लेन देन करना पड़ता है तो वो उसको लेन देन में तब्दील कर देती हैं। तो रियासतें जो हैं जो भी रवैया अख्तियार करती हैं उसका बुनियादी मकसद एक ही है, और वो है कि जो रियासत का जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको परसू किया जाए, उसको महफूज बनाया जाए और उसको हर तरीके से जो है वो तहफ़ दिया जाए। नंबर सिक्स है, पॉलिटिकल स्फीयर इज एन ऑटोनोमस स्फीयर एज द स्फीयर ऑफ इकोनॉमिक लायर्स एंड मोरालिटीज़। तो कहता है कि जो पॉलिटिकल स्फीयर है इज़ एन ऑटोनोमस, तो जो सियासत है वो ऑटोनोमस होती है, वो आप यूँ समझे कि खुद मुख्तार होती है कि उसको कोई भी रवैया जो है अख्तियार करने की इजाज़त होती है, वो किसी भी मकसद के हसूल के लिए कोई भी रवैया अख्तियार कर सकती है। जैसा एक इकानमिस्ट जो है वो अपने माशी मफादात के तहफ़ के लिए कोई भी पॉलिसी बनाने, कोई भी रवैया अख्तियार करने के लिए आज़ाद होता है, जैसा लायर जो है वो अपने मफादात के तहफ़ के लिए किसी भी चीज़ का सहारा ले लेता है, कोई भी मॉरलिस्ट जो है वो मुख्तलिफ रवैया अख्तियार करता है तो इंडिपेंडेंट होता है। और इसी तरह जो है जो रियासत जो है वो अपने मफादात के तहफ़ के लिए कोई भी रवैया, कोई भी तर्ज अमल जो है वो अख्तियार कर सकती है। पॉलिटिकल एक्टर्स थिंक इन द टर्म्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एज द इकोनॉमिस्ट, ये गुज़िश्ता से ही व्यवस्था है। नंबर सिक्स जो हमने डिस्कस किया उसका दूसरा हिस्सा है, पॉलिटिकल एक्टर्स थिंक इन द टर्म्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्टर कौन सा है? स्टेट जो है, और स्टेट वो कहता क्या है? स्टेट हर एतबार से सिर्फ और सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट को सेव करने के मतलब सोचती है। पॉलिटिकल एक्टर्स थिंक इन द टर्म्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, रियासत जो कुछ भी करती है उसका बुनियादी मकसद क्या है? नेशनल इंटरेस्ट को सेव बनाना। जब आप अपनी हुकूमत से पूछते हैं कि आपने ये काम क्यों किया है तो वो कहती है कि मुल्क के वसी तर मफाद में हमने ये काम किया है। तो वो जो रियासत का जो मफाद है उसी के तहफ़ के लिए रियासत हर किस्म का रवैया और तर्ज अमल जो है वो अख्तियार करती है। एंड वो कहता है, एग्जाम्पल क्या देता है, एज ए इकानमिस्ट थिंक्स इन द टर्म्स ऑफ यूटिलिटी। जो इकानमिस्ट है वो सिर्फ एक काम करता है कि उसका किस तरह जो है उसका मुनाफा जो है वो महफूज हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो, वो इसके लिए मुख्तलिफ पॉलिसियाँ बनाता है, मुख्तलिफ रवैये अख्तियार करता है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। एंड लायर इन टर्म्स ऑफ कन्फर्मिटी ऑफ एक्शंस विद मॉरल प्रिंसिपल्स। तो वो क्या कहता है, वो कहना चाहता है कि जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट को सेव करना चाहते हैं। जिस तरह के एक इकानमिस्ट है वो वही काम करता है जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होता है, इसलिए जो पॉलिटिकल एक्टर है वो वही काम करेगा जिससे उसका जो नेशनल इंटरेस्ट है वो महफूज होगा, और इसके लिए वो तमाम हरबे जो है, तमाम रवैये जो है इस्तेमाल कर सकता है। और पॉलिटिकल एक्टर से मुराद, मैं आपको फिर एक दफ़ा वाज़ेह कर रहा हूँ, यहाँ पॉलिटिकल एक्टर से मुराद स्टेट है। स्टेट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एक्टर, और इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर अच्छे बहुत सारे एक्टर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ एनजीओस हैं, एमएनसीज़ हैं, लेकिन स्टेट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो एक्टर जो है वो शुमार होता है। क्रिटिसिज्म के हवाले से हम बाद में बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो एपिसोड होगा इंशाल्लाह हम उसके ऊपर, क्रिटिसिज्म के ऊपर बात करेंगे। तो लेकिन बहरहाल थोड़ी सी मुख्तसर सी बात कही जा सकती है कि देखें ये जो ये एक पीक है कि ये कहा जाए कि रियासतें अपने जितना भी रवैया अख्तियार करती हैं उसके पेश नज़र सिर्फ और सिर्फ उसका मुफाद होता है, नेशनल इंटरेस्ट होता है। तो इसका मतलब यह है कि उनके अंदर कोई इंसानी हमदर्दी नहीं होती, कोई उनके अंदर ह्यूमैनिटीज़ नहीं होती, कोई वो मॉरल्स को मद्देनज़र नहीं रखती, कोई वो इंटरनेशनल लॉस को या ऑर्गेनाइजेशन के जो ज़ाब्ता अखलाक होता है उसको मद्देनज़र नहीं रखती। ऐसा भी नहीं है कि रियासतें बहुत सारे काम जो हैं वो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर करती हैं, और बाज़ ऐसा नज़र भी आ रहा होता है कि जब कोई रियासत किसी दूसरी रियासत की मदद कर रही होती है तो बज़ाहिर हमें ये ऐसा फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा होता कि उस रियासत को बरह रास्त कोई फ़ायदा भी हो रखा हो। तो बहुत सारे काम जो हैं वो खालस इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर किए जाते हैं। जैसा कि जब किसी मुल्क के अंदर कुदरती आफत आती है, जलजला आता है, सैलाब आता है, या जैसे आजकल
कोविड-19 का जो है वो दौर चल रखा है, तो रियासतें जो हैं वो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दूसरों की मदद करती रहती हैं। तो ये कह देना कि रियासतें सिर्फ और सिर्फ अपने ذاتی مفادات की सियासत करती हैं, ये इंतहाई खुद गर्जी पर मबनी जो है वो पॉलिसी हो सकती है। लेकिन बहरहाल जो रियलिस्टिक हैं उनकी बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और ये बात भी हकीकत पर मबनी नज़र आती है कि रियासत जो भी रवैया अख्तियार करती है उससे यकीनन उसको कोई ना कोई फ़ायदा पहुंच रहा होता है, चाहे वो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर भी बात करे। लेकिन जब ये कहा जाता है, ये ख़बर पब्लिश होती है या नशर होती है कि फ़लाँ रियासत ने फ़लाँ रियासत की मदद के लिए ये काम किया है, तो ज़ाहिर है उसका इमेज बहुत बेहतर होता है, उसकी ताकत में इजाफा होता है। तो यकीनन जो है रियासतें जो हैं ये कहा जा सकता है कि वो अपने मफादात के हुसूल के लिए जो है या उनको मजबूत बनाने के लिए ही मुख्तलिफ रवैये और मुख्तलिफ तर्ज़ अमल जो है वो अख्तियार करती हैं। यहाँ पर इस वीडियो का इख्तिताम होता है, नेक्स्ट नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।